हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी नोट 13 रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G फ़ोन है। तो रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट ऑप्शंस हैं, तो एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट ऑप्शंस के ज़रिए आप कैसे पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G फ़ोन में, और कैसे अपने फ़ोन में पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे रेडमी फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में पावर बटन की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शोर हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। तो जो हमारे फ़ोन में पावर बटन की प्रॉब्लम है, तो पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और कैसे फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आपके पास सेटिंग्स शो हो रही है, तो आपको जाना है सेटिंग्स पे। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। इस पे जाकर पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए एडिशनल सेटिंग्स पे जाना होगा आपको, फिर एक्सेसिबिलिटी पे चले जाना है। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स भी ओपन हो जाएगी। फिर मेन्यू शॉर्टकट्स पे जाना है, जहाँ से मेन्यू शॉर्टकट्स को आप अलाउ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से शॉर्टकट आइकन से आपके फ़ोन में आ जाएगा, देखते हैं। इस तरीके से आप इसको जूमिंग मूव भी कर सकते हैं, और आप इसको ओपन कर दें तो पावर बटन आइकन्स आएगा, जिसके जरिए रिबूट ऑप्शंस के जरिए आप पावर बटन को ऑटो रिस्टार्ट भी आप कर सकते हैं, एंड पावर ऑफ भी आप इस ऑप्शंस के जरिए कर सकते हैं। साइलेंट मोड भी आप कर पाएंगे, एंड एरोप्लेन मोड भी आप कर सकते हैं शॉर्टकट्स के जरिए, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। एंड आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से इसको एक्सेसिबिलिटी मेन्यू के शॉर्टकट्स को ऑन करके पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट भी आप कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।